To get free video lectures for ECE Gate 2018, subscribe Engineering and press bell icon for more information and update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सत्य विजय और आज हम बात करने वाले हैं पिंच ऑफ की कंडीशन में आपका जो JFET है उसकी इंटरनल प्रोसेस कैसे होती है। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एन चैनल JFET की ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसकी करंट इक्वेशन के बारे में और पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है। ये तीन चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस की थी। तो यहाँ पर हम इसकी कुछ इंटरनल वर्किंग देख लेते हैं। ये आपको एक एन चैनल JFET यहाँ पर दिख रहा है, ये एन चैनल JFET है। यहाँ पर हमने रिवर्स वाइज वोल्टेज VGS अप्लाई किया है, आउटपुट साइड हमने रिवर्स वाइज वोल्टेज VDS अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिप्लेशन लेयर्स होंगी वो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगी और डिप्लेशन विड्थ इतनी ज़्यादा होगी कि यहाँ पर चैनल का एरिया काफ़ी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जैसे जैसे VDS जो कि आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है इसको इंक्रीज करेंगे तो ड्रेन टर्मिनल पर वोल्टेज आपका इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे अपर साइड अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जानते हैं वोल्ट पर यूनिट डिस्टेंस। तो जब इस टर्मिनल पर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ड्रेन टर्मिनल पर, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। और जैसा कि हमने एकदम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपका JFET है वो वर्क करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, तो यहाँ पे अपर एंड साइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ड्रेन से सोर्स एंड की तरफ इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो पिंच ऑफ की कंडीशन में क्या होगा, जैसे जैसे आप VDS की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये जो डिप्लेशन लेयर्स हैं ये एक दूसरे के और कॉन्टेक्ट में आती जाएंगी, लेकिन ये एक दूसरे को यहाँ पर टच नहीं करेंगी क्योंकि इन दोनों डिप्लेशन लेयर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करती है जिसकी डायरेक्शन आपकी ड्रेन से सोर्स एंड की तरफ होती है। तो चैनल के अंदर यहाँ पे एक बहुत ही नैरो लाइन आपके पास बचती है जहाँ से जैसे जैसे आप यहाँ पे VDS की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो जो सोर्स एंड है सोर्स एंड से आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे ड्रेन एंड की तरफ, और यहाँ पे चैनल का एरिया बहुत कम है तो यहाँ से बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स आपके ड्रेन टर्मिनल तक मूव करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स आपके फास्ट मूव करेंगे तो यहाँ से जो ड्रेन करंट आपका ID है वो ड्रेन से सोर्स एंड की तरफ मूव करेगा और ये दोनों डिप्लेशन लेयर एक दूसरे से टच नहीं होंगी क्योंकि इनके बीच में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो जैसा कि हमने इसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में देखा था, यहाँ पे आपका VDS वोल्टेज था और यहाँ पे ड्रेन करंट था, तो वो कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से थी। यहाँ पे आपका पिंच ऑफ वोल्टेज VP था और पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद जैसे जैसे हम VDS की वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा रखते हैं तो आपका जो ड्रेन करंट है वो सैचुरेट हो जाता है। वो सैचुरेट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर्स हैं वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाती हैं और ये दोनों डिप्लेशन लेयर एक दूसरे के पास आएंगी तो चैनल एरिया यहाँ का काफ़ी कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन काफ़ी तेज़ी से सोर्स से ड्रेन एंड की तरफ मूव करने लगेंगे। तो ड्रेन टर्मिनल जो आपका होगा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा इस कंडीशन में, इस नैरो चैनल के थ्रू। तो यहाँ पे जो आपका ड्रेन करंट होता है वो सैचुरेशन की कंडीशन में आ जाता है। तो पिंच ऑफ की कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं VGS और पिंच ऑफ वोल्टेज के बीच में रिलेशन की। तो जैसा कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी थी वो कुछ इस तरीके से थी, यहाँ पे आपका VGS वोल्टेज था, यहाँ पे ड्रेन करंट था और यहाँ पे IDSS था। और अगर हम बात करें वहीं पे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक की तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज था, इस टर्मिनल पर आपका VDS था और यहाँ पे आपका ड्रेन करंट था। तो यहाँ पे VGS और पिंच ऑफ वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ड्रेन करंट की इक्वेशन हमने डिस्कस की थी। ड्रेन करंट की इक्वेशन होती है आपकी ID=1-VGS/VP2। तो यहाँ पे जो आपका ड्रेन करंट है उसकी वैल्यू जीरो कब होगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू जीरो तब होगी जब आपका यहाँ पे VGS और VP की वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि VGS और VP की वैल्यू जब इक्वल होगी तो यहाँ पे आएगा 1 और 1-1 हो जाएगा आपका 0, तब जाके ड्रेन करंट की वैल्यू आपकी 0 होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रेन करंट की वैल्यू 0 थी आपकी VGS कट ऑफ पर। तो आप यहाँ पे इस कंडीशन में बोल सकते हैं जो VGS कट ऑफ होगा वो इक्वल टू होगा आपका VP वोल्टेज के, जो कि आपका पिंच ऑफ वोल्टेज है।
तो VGS कट ऑफ की जो वैल्यू है वही होती है आपकी पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो VGS कट ऑफ की वैल्यू ये है और पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू ये है। तो VGS कट ऑफ इक्वल होता है आपका पिंच ऑफ वोल्टेज के। लेकिन एक बात का आपको याद रखना है, जो VGS कट ऑफ है वो पिंच ऑफ वोल्टेज के केवल मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। जैसे एन चैनल में आपका VGS है तो नेगेटिव VGS हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो पिंच ऑफ वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव में। तो जो पिंच ऑफ वोल्टेज है उसको हम लिख सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड ऑफ VGS कट ऑफ। जैसे मान के चलिए इसी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं, VGS कट ऑफ की जो वैल्यू है वो अगर आपके पास -3 है तो पिंच ऑफ वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ -3 यानी कि 3। ये हो जाएगी आपकी पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू। तो पिंच ऑफ वोल्टेज आपका इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ VGS कट ऑफ के। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जब पिंच ऑफ वोल्टेज आपका VGS कट ऑफ के इक्वल हो गया, तो पिंच ऑफ वोल्टेज को आप दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मिनिमम गेट टू सोर्स वोल्टेज वेयर ID इज रिड्यूस टू 0। मिनिमम गेट टू सोर्स वोल्टेज जहां पर ID आपका 0 हो जाता है उसको भी आप पिंच ऑफ वोल्टेज बोल सकते हैं। या इसको एक और आप बोल सकते हैं मिनिमम VDS वोल्टेज, मिनिमम VDS वोल्टेज वेयर ID एंटर इनटू सैचुरेशन, क्योंकि इस पॉइंट के बाद आपका जो ड्रेन करंट है वो सैचुरेट हो जाता है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज को आप इन दो डेफिनेशन से डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम कुछ FET के पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो पैरामीटर्स आपके GFET के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेन रेजिस्टेंस की। जैसा कि इसका नाम डिनोट कर रहा है, ड्रेन रेजिस्टेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं RD से। R आपका डिनोट करता है रेजिस्टेंस और D डिनोट करता है ड्रेन टर्मिनल को। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका डेल VDS अपॉन डेल ID। VDS आपका ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल का वोल्टेज है और ID आपका ड्रेन करंट है। तो ये होगा आपका ड्रेन रेजिस्टेंस। अब ड्रेन रेजिस्टेंस को अगर आप बात करें ग्राफिकली निकालने की, तो ड्रेन रेजिस्टेंस को आप ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक से भी ऑब्टेन कर सकते हैं और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से भी निकाल सकते हैं, अगर हम ग्राफिकली सिचुएशन की बात करें तो। और बाकी न्यूमेरिकली हम इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आपका पैरामीटर है ट्रांसकंडक्टेंस, जिसको हम GM से डिनोट करते हैं। ट्रांसकंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका डेल ID अपॉन डेल VGS। डेल ID जो कि ड्रेन करंट है आपका, GFET में हम केवल ड्रेन करंट के बारे में ही बात करते हैं। तो डेल ID अपॉन डेल VGS, VGS है आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज जो कि GFET का इनपुट वोल्टेज है। तो GM का फॉर्मूला है डेल ID अपॉन डेल VGS। अब GM की अगर हम बात करें अलग अलग कंडीशंस में, तो GFET में, MOSFET में और BJT में GM की क्या कुछ आइडियली वैल्यू होती है। तो GFET में अगर हम बात करें GM ट्रांसकंडक्टेंस की, तो इसकी जो टिपिकल वैल्यू है वो होगी 0.1 मिली साइमन से 10 मिली साइमन तक। वहीं पे MOSFET में बात करें तो ये वैल्यू होती है 0.1 मिली साइमन से 20 मिली साइमन तक। और BJT की अगर हम बात करें तो GM की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, ये होती है 50 मिली साइमन से 600 मिली साइमन तक। अब BJT के केस में GM की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि आप अगर JFET और MOSFET की बात करें तो यहाँ पे जो हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो VGS की वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। जो रिवर्स वाइज में हम अप्लाई करते हैं इसको, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो VGS की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो GM की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी। तो आप देख सकते हैं GFET और MOSFET में GM की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है। वहीं पे अगर हम BJT की बात करें तो जो इनपुट वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उसको MOSFET और GFET के कंपैरिजन में काफ़ी कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो GM की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए BJT में GM की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। अब अगर हम किसी भी डिवाइस के गेन की बात करें, जिसको हमने मैग्नीट्यूड ऑफ A से यहाँ पर डिनोट किया है, तो गेन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसकंडक्टेंस GM के। तो जिस डिवाइस का, चाहे वो GFET हो, MOSFET हो या BJT हो, अगर GM की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका गेन भी ज़्यादा होगा, और अगर GM की वैल्यू कम होगी तो उसका गेन भी कम होगा। तो आप इस कंडीशन में देख सकते हैं BJT में GM की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका जो गेन होगा उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, इसलिए BJT का जो गेन होता है वो ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर हम JFET या MOSFET की बात करें तो उसमें GM की जो वैल्यू है
वो कम होती है, इसलिए गेन उसका कम होता है। और गेन जब कम होता है तो गेन आपका डिपेंड करता है 1/ बैंडविड्थ पे, तो गेन की वैल्यू जब कम होगी तो बैंडविड्थ की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जेएफईटी और मॉसफेट में जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा होती है और गेन कम होता है, तो ये पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। हालांकि इसकी जो टिपिकल वैल्यू है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप जीएम का फॉर्मूला बस याद रखें, सीधे सीधे क्वेश्चन में इसको हम यूज करेंगे। और जीएम की अगर हम ग्राफिकली बात करें तो जीएम को भी आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक दोनों से ऑब्टेन कर सकते हैं, और बाकी अगर न्यूमेरिकली बात करें तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक और आपका इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं एम्पलीफिकेशन फैक्टर म्यू या वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर। जो म्यू होता है आपका वो होगा ड्रेन रेजिस्टेंस इंटू ट्रांस कंडक्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, तो आर डी इंटू जी एम। आर डी जो ड्रेन रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हमने देखा था डेल वी डी एस अपॉन डेल आई डी, इंटू जी एम का जो फॉर्मूला था वो था डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस। अब यहाँ पे आई डी और आई डी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो म्यू होगा एम्पलीफिकेशन फैक्टर वो हो जाएगा आपका डेल वी डी एस अपॉन डेल वी जी एस। तो ये होगा आपका म्यू का फॉर्मूला, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर। VDS जो है वो है आपका आउटपुट वोल्टेज और VGS जो है वो है आपका इनपुट वोल्टेज, तो इसको हम बोलेंगे वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर। म्यू का फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखनी है, म्यू को अगर हम ग्राफिकली बात करें तो केवल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, और म्यू की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ट्रांसकंडक्टेंस की हम इक्वेशन की बात करते हैं। ट्रांसकंडक्टेंस की जो इक्वेशन होती है वो होती है जी एम इक्वल टू डेल आई डी डिवाइडेड बाई डेल वी जी एस। ये हमने फॉर्मूला देखा था ट्रांसकंडक्टेंस का। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ड्रेन करंट की इक्वेशन आप जानते हैं वो होती है आई डी एस एस 1 वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ड्रेन करंट है उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है डी वाई डी वी जी एस, मतलब वी जी एस के रिस्पेक्ट में ड्रेन जो करंट है उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस। इस इक्वेशन को हमने वी जी एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास आई डी एस एस, और इस टोटल जो कोष्टक के अंदर वैल्यू है इसको अगर आप x मानेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएट होगा 2x। तो यहाँ पे आई डी एस एस और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 वी जी एस अपॉन वी पी, और जो स्क्वायर था आपका यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे। अब कोष्टक के अंदर आप डिफरेंशिएट करेंगे 1 वी जी एस अपॉन वी पी को, तो 1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0, और माइनस वी जी एस अपॉन वी पी को आप वी जी एस के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन वी पी आपका कांस्टेंट आ जाएगा और वी जी एस की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -1 अपॉन वी पी। तो यहाँ पे आप डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस को ले सकते हैं जी एम, और ये हो जाएगा आपके पास -2 आई डी एस एस अपॉन वी पी कोष्टक 1 वी जी एस अपॉन वी पी। तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसकंडक्टेंस जीएम का फॉर्मूला। तो जीएम के इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो आप या तो ड्रेन करंट की इक्वेशन याद रखें और उसको डिफरेंशिएट करके ये निकाल सकते हैं, या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ये जो जीएफईटी और मॉसफेट है इनमें काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं, तो इसको आप अपनी एक नोटबुक में नोट कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो हमने अभी तक जितने भी फार्मूले देखे हैं, तो जीएम का फार्मूला देखा था डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस। दूसरा फार्मूला हमने ये ड्राइव किया था जो कि ड्रेन करंट से हमने ड्राइव किया था। ड्रेन करंट का फार्मूला था आई डी इक्वल टू आई डी एस एस 1 वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर। इससे हमने ट्रांसकंडक्टेंस जीएम का फार्मूला ड्राइव किया था जो था -2 आई डी एस एस अपॉन वी पी 1 वी जी एस अपॉन वी पी। तो जीएम के कुछ और पॉसिबल फार्मूलेज हैं जिनको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम ड्रेन करंट में देखें तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करें 1 वी जी एस अपॉन वी पी की, तो 1 वी जी एस अपॉन वी पी आपका इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई डी अपॉन आई डी एस एस, और 1 वी जी एस अपॉन वी पी की वैल्यू आप जी एम के फार्मूले पुट करेंगे तो जी एम का जो फार्मूला है वो हो जाएगा आपके पास -2 आई डी एस एस अपॉन वी पी, और यहाँ पे हो जाएगा 1 वी जी एस अपॉन वी पी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ
IDSS, और इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो GM जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा -2/VP स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो IDSS है इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा IDSS का स्क्वायर इंटू ID डिवाइडेड बाई IDSS, तो IDSS से ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और जो GM का फॉर्मूला है वो आएगा आपके पास -2/VP स्क्वायर रूट ऑफ IDSS इंटू ID। तो इस तरीके से भी आप GM की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम GM की वैल्यू और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम VGS की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, यहाँ पे अगर आप VGS की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0/VP यानी 0 और 1-0 यानी 1, तो GM की जो वैल्यू आपके पास मिलेगी वो हो जाएगी आपके पास -2IDSS/VP। ये वैल्यू हमारे पास GM की कब आई, जब हमने VGS की वैल्यू को जीरो पुट किया था। अब इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं अगर आप VGS की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो GM की वैल्यू हो जाएगी del ID/0 यानी इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन का मतलब ये है कि जब आपने VGS की वैल्यू जीरो पुट की तो GM की जो वैल्यू है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर जब आपने VGS की वैल्यू जीरो पुट की तो GM की जो वैल्यू मिली वो ये मिली, जो क्या होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ GM हो जाएगी आपकी -2IDSS/VP, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ GM को हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं GM नॉट से। तो GM नॉट का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा -2IDSS/VP। GM नॉट है आपकी मैक्सिमम ट्रांसकंडक्टेंस की वैल्यू। तो ये फार्मूला आपको ये याद रखना है इसमें। तो ये कुछ GM से रिलेटेड फार्मूले हुए। अब आप GM को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, GM इक्वल टू, अगर आप इस फार्मूले में देखें तो -2IDSS/VP है, और -2IDSS/VP को हम डिनोट कर सकते हैं GM नॉट से, जो कि GM की मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इसको GM नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं और 1-VGS/VP आपका एज इट इज होगा, या इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं GM इक्वल टू हो जाएगा आपका GM नॉट, 1-VGS/VP को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ID/IDSS। इस तरीके से भी आप GM को डिनोट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं GM का केवल एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, बाकी जो सारे फार्मूले हमने ड्राइव किए हैं वो इसी के ही दूसरे फॉर्म है, तो आप इनको ड्राइव कर सकते हैं या इनको सीधे सीधे याद कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इन फार्मूलाज का वहाँ पे यूज करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे एक वीडियो और बचा है आपका जिसके अंदर हम कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये फार्मूले समझ में आ जाएंगे कि कहाँ पे किस तरीके से हमें कौन से फार्मूले का यूज करना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।